संस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनं प्रातः काल का स्नान ही व्रत है। प्रातः काल स्नान कर लिया तो दिन के आधे कार्य करते हैं पूर्ण हो गए। कल स्नान की महिमा आप श्रवण करे थे, 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय के पूर्व पूर्व स्नान करते हैं तो वेद मंत्र बीज मंत्र सभी यज्ञों के साथ सभी मंत्रों के साथ ऋषि ओमनियों के साथ में और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी निवास करूंगा जल के अंदर। तो भगवान ने कहा कि जो प्रातः काल स्नान करता है तो बीज मंत्रों का पाठ करने का फल संपूर्ण यज्ञों का फल सारे यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे। सारे तीर्थों में स्नान नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रातःकाल का स्नान न छूटे ध्यान रखना है। स्मृति ग्रंथ में कहा कि स्नान के बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है और उसे राक्षस ग्रहण करते हैं, ऐसा वाधुर स्मृति में कहा है। स्नान के बिना कहीं दान देना है, कोई कर्म सत्कर्म करने हैं तो पुण्य कर्म होते नहीं करते, वो निष्फल हो जाते हैं। अच्छे चीजें जो दान दिए उसका फल न मिले तो लाभ क्या होगा, इसलिए स्नान के बिना कहते हैं पुण्य कर्म नहीं होता। हाँ स्नान के बिना कहते हैं आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, नाम के लिए कोई समय ना पवित्रता का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण का राम जी का माँ भगवती का स्तुति है, बिना स्नान किए बिना भी कर सकते हैं। राम राम जी बोलना है, कृष्ण का नाम लेना भी स्नान करने के बाद नहीं, अपवित्रो पवित्रो अपवित्र अवस्थामी अपवित्र अवस्थामी भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन दान करना है, भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाना है, किसी अतिथि के लिए ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाना है, स्नान के बिना ना तो रसोई में जा सकते हो, ना तो मंदिर में जा सकते हो, ना घर में पूजा कर सकते हो, कोई सत्कर्म नहीं कर सकते। ठीक है बिना स्नान के बिना कभी इमरजेंसी देखो पानी गर्म करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए बिना स्नान के। तेल लगाने की बात कहते हैं कभी शरीर में, पहले लोग बहुत मालिश आदि कराते थे तो कहते तेल लगाने की बात करके स्नान करना चाहिए, स्मशान से लौटने के बाद करके स्नान करना चाहिए। कुछ जगह वहां स्मशान घाट से आते हैं लोग भोजन करते हैं, अपने हरियाणा की बात में बताए मुंबई में हजामत करने के बाद छोर कर्म बोलते हुए सेविंग है जो बाल कटवाते हैं तो उसके बाद स्नान करना पड़ता है।
बाले तो बाले कटवाने के बाद की गल है, भोजन करे परिभाषा नहीं बनाते, अपनी परिभाषा गलत हो सकती है। ठीक है, हर चीज के नियम होते हैं। वो तो कल फिल्टर वाला आया था, वो गुरुजी फिल्टर के पीछे भी स्प्रे करना पड़ता है, आक्रोश कीड़े होते हैं, और फिल्टर के अंदर में हवा जाने के लिए एक जगह रखनी पड़ती है, मिले तो जल खराब हो जाता है, वहां से ही काकरोच प्रवेश कर सकता है। अब कितनी बात सूक्ष्म है, वो प्रवेश करे पानी के अंदर में गिर जाता है, अंदर फिल्टर का पानी है, फिल्टर का पानी है, लेकिन उसमें से काकरोच क्या है, वो कब कर रहा है वहां पे, शुद्ध जल में स्नान कर रहा है ना, वो तो शुद्ध जल में स्नान कर रहा है, लेकिन हमें जरूर पोसा मिल रहा है। हाँ, और वो अकेला थोड़े गया, अपने बच्चों के साथ गया वहां, तो मम्मी ने छलांग लगाई तो बोले बच्चों ने भी लगा, अब उसके बच्चे भी कैसे छोटे छोटे बच्चे रहेंगे भाई। हाँ जी, सूक्ष्म बातें हैं भाई। शोर कर्म करने वाले, हजामत करने वाले का भाई स्नान करना चाहिए। जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता है तब तक वो तांडाल बना रहता है। बोलो जी, अभी कौन बता रहे, चाणक्य जी बता रहे, चाणक्य नीति है ना, बहुत विद्वान लोग हुए, आप लोग पुण्य कर्मों का फल अच्छी तरह से मिले, पूर्ण रूप से मिले। हाँ जी, वेद मंत्रों के साथ देवताओं के साथ स्नान हो जाता है तो कितना दिव्य स्नान हो जाता है। ये पनीर कढ़ाई में अकेला बैठे तो स्नान नहीं होता ना, काजू बादाम के साथ, किशमिश के साथ, मलाई के साथ बैठे तो पनीर का स्नान कैसे होगा। तो उस दिव्य स्नान करने के बाद में जो पनीर प्लेट में आ जाता है कौन मना करता है। वो पनीर भी कितने लोग उसका स्नान करता है तब उसकी महिमा बढ़ती है भाई। एक बहन ने पानी में पानी डाल के पनीर बना दिया, कैसा होगा वो, मुंबई की बात है। तो जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक कौन बना रहता है भी, चंडा। तो ये विधि बताई भी, तेल लगाने के बाद, स्मशान से लौटने के बाद, हजामत करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। कुएं में निकाली हुई जल की अपेक्षा करते झरने का जल पवित्र होता है, उससे भी पवित्र कहते हैं, उससे भी पवित्र सरोवर का जल, उससे भी पवित्र नदी का जल, और उसे भी पवित्र कहते तीर्थ का जल, और उसे भी पवित्र कहते गंगा का जल, ऐसी महिमा बताई। और गंगा का स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो कहते एक छोटी सी बोतल में गंगा जल रखिए, स्नान करते समय दो चार बूंदे डाल दे और स्नान कर लिया, और तीर्थों का आह्वान कर सकते। स्नान कभी मौन होकर नहीं करना था, तीर्थों का नाम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर। ठीक है, मौन उसे बोलते हुए जिस समय स्नान के लिए जा रहे थे उस समय नहीं बोलना है, बोलना नहीं मतलब तौलिया कितने हैं, वो कितने हैं, कपड़े कितने हैं, सारी तैयारी क्या, अपनी भी तैयारी और बच्चों की भी जुराबे खान सारी चीजें, बच्चों को भी आदत डाली। मुंबई में अपनी घड़ी बेल्ट बच्चे है ना पूरा सजा के रखते हैं, वहां से आने के बाद मम्मी दूर से प्रणाम करते हैं, अपना सारा सामान उसमें रखता है, अवसर बनकर जाते हैं, छोटा बच्चा बड़ी हाथ में सारा ठीक, समय पर ध्यान रखना पड़ता है, और आदत डालने से मम्मी का भी काम, माता का काम कम हो जाता है। देखो वो 12 साल का हो जाता है तो मम्मी मेरी कंधी करा दे, आदत डालनी पड़ती है, मेरे को सिखाना पड़ता है।
भोजन के बाद वह स्नान नहीं करना चाहिए। रोगी है, शरीर में रोग है, कहते हैं बुखार है, स्नान करना चाहिए। कोई रोग होता है तो जल छिड़कने से थोड़ा स्नान हो जाता है। रात्रि के मध्य रात्रि में, रात्रि मध्य भाग में 12-1 बजे का भी स्नान नहीं करना चाहिए। अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, जहां जल का पता ना हो ऐसी जल में का भी स्नान नहीं करना चाहिए। कहीं जल गहरा हो सकता है, कहीं मगरमच्छ हो सकता है, जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धूप से आने की बात कहते सूर्य की कड़ी धूप, कहते सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति होकर आ जाता है, तो कहते आते ही स्नान करने की इच्छा होती है ना, कहते नहीं थोड़ी देर बैठ कर स्नान करना चाहिए, नहीं तो आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, सिर में पीड़ा होने लगती है। ये नीति कार बोल रहे हैं, चाणक्य नीति, चाणक्य ही बोल रहे हैं। स्नान करते समय कहते वस्त्र होना चाहिए शरीर के ऊपर, बिना वस्त्र स्नान करने से आयु कम हो जाती है। बालक हो कोई वो स्नान करते हैं वस्त्र होना चाहिए। पुरुष को नित्य प्रति करते सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, पुरुष के लिए नियम बताया गया स्नान सिर के ऊपर से, बहनों के लिए करते छूट है। सिर को छोड़कर स्नान पुरुष करे कहते हैं, सिर के ऊपर जल ना डाले तो कहते हैं देव कार्य पितृ कार्य का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता, पुरुषों के लिए नियम है। बहनों के लिए भी स्मशान से आए गए से पवित्र जल चाहे तो कहते कि सिर से स्नान करना है, ग्रहण काल है जी, ध्यान श्री बहनों के लिए छूट है। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्रों से कहते हैं शरीर को पोछना नहीं चाहिए जी। अब कोई बोले की गल है की होता है, उसमें कपड़ा तो कपड़ा है ठीक है, तथे गीले वस्त्रों से कहते कभी भी शरीर को नहीं पोछ, ठीक है वस्त्र दूसरा होना चाहिए। पहने हुए वस्त्र होते हैं ना, कुछ वस्त्र है वह गीले कर ले तो सब शरीर पोछ लेते हैं जी। अब बालक प्रश्न कर सकते हैं मम्मी वस्त्र तो वस्त्र ही है जी, अब वो गीले वस्त्रों से कहते शरीर पोछ लिया जाए तो क्या उसका फल बताया, कहते हैं डॉग में चाटने का जो है ना जो फल है वो फल मिलता है, लो डॉग की पूरी लार कहते लग गया शरीर चाट लिया उन्होंने ठीक है वो पवित्र हो जाते हैं। वो प्राणी अज्ञानी है ना, वो प्राणी अज्ञानी कभी कभी रास्ते पर तो पीछे चाटने में उंगली को चाट लेता है, अब वो स्नान ही करना पड़ता है, अब वो बेचारा अपने वो ठीक है वो तो अपने में है ना, ये प्राणी ना अपना मानता है ना वो ठीक है। अब ये नहीं कि गुरु जी है तो गुरु जी पवित्र हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ गुरु जी आए तो गुरु जी की गल है ना स्नान कर चल जाएगा, ऐसा नहीं, और गुरु जी को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज भगवान की चीज को हाथ लगाना पड़ता है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे
भगवान ने कहा अपने यज्ञों के साथ, बीज मंत्रों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ में जल के अंदर में निवास करूंगा। कितने बजे का? 6 बजे। 6 बजे के बाद में तो 3:30 बजे से शताब्दियां शुरू हो जाती। किसी भी गाड़ी आप बैठ मतलब 3:30 बजे स्नान करो, 4 बजे स्नान करो, 4:30 स्नान करो, 5 बजे स्नान करो, मतलब सूर्योदय के पूर्व। ठीक है, सत्संग में आने वाले साधक है उनको जल्दी स्नान करना पड़ता है और हमें 4 बजे स्नान करना पड़ता है जाए जाए। क्योंकि 5 बजे मंदिर। हाँ, तो भगवान ने ऐसा कहकर कहते हैं मछली का रूप धारण कर लिया, देवताओं के सामने सामने मछली का रूप धारण कर लिया। मछली का रूप धारण करके कहते हैं आकाश मार्ग से कहते हैं विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या कर रहे थे जल के अंदर में खड़े होकर। तो अंजलि से जल उठाना पड़ता है जिसे, तो अंजलि से जल उठाया तो आकाश मार्ग से मछली जो है वो जल के अंदर में। अब उनको लगा कि मैं इस मछली को नीचे डालूंगा तो बड़ी बड़ी मछलियां है उसको खा जाएगी, दोष लगेगा ना। अब उसको क्या पता है भगवान है, वो मछली को लेकर वो घर लेकर के उसमें डाले, कमंडल होते थे ना पहले, कमंडल में रखा। तो कमंडल के अंदर में वो धीरे धीरे बढ़ती गई, कमंडल में आई। उन्होंने कहा कि भाई कमंडल में थोड़ा सा रखेंगे और फिर कहीं छोड़ देंगे। घर के अंदर में फिर वो बड़ा बर्तन था मिट्टी का, उसमें छोड़ दिया, उसमें भी नहीं आई। घर के सामने वो कुटिया के सामने तालाब था, तालाब में भी नहीं आ रही थी। उस मछली को उठाकर कैसे कैसे करके फिर समुद्र में डाल दिया। तो वहां पर भगवान ने अपना मत्स्य अवतार जो है ना वो रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब मछली का शरीर है ना। और उस समय शंकासुर वेदों को लेकर गया था जल के भीतर। देखो भगवान को कौन सा रूप धारण करना पड़ता है जी। कोई हमें बोले ना मछली बन जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में कोई साधक लोग बैठे हैं मुंबई का। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मछली बन जाओ तो वो क्या बोलेंगे। लेकिन भगवान हमारे लिए कौन सा रूप धारण करते हैं, ये जो जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो तो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया पता है। पृथ्वी बुलाने के लिए वराह किसे बोलते हो, ये तो संस्कृत में अच्छा लगता है। हमारे लिए कौन सा रूप धारण करना पड़ा, देखो। और मछली का रूप धारण करके कहते हैं वो शंकासुर घूम रहा था, शंकासुर को पकड़ लिया भगवान ने उस असुर को, और उसके सींग थे। ठीक है, दो सींग थे, तो सींगों को पकड़ के ठीक है वो हिलाने लग गए। और वो उसी समय कहा प्रभु आप तो स्वयं मुझे मारने के लिए आए हो, और इतना स्वभाव कि किसका हो सकता है, कितने जन्मों का पुण्य होगा आप मेरे लिए अवतार धारण करके आए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपको हर समय आप हाथ में रखो, कि शंकर है ना। तो भगवान ने कहा कि मैं हाथ में धारण करूंगा और सब पवित्र रहेगा। अभी भी छोटी छोटी शंका होते ना आप देखना, उसमें से दो सिंह ऐसे निकलते हैं बार बार। तो शंकासुर का वध करके देवताओं को कहा कि आप वेद मंत्र इधर उधर जाए समुद्र के अंदर में सारे मंत्रों को क्या करो एकत्रित करो। तो सभी देवताओं ने ऋषियों ने वो मंत्र एकत्रित किए वेद मंत्र, और प्रयागराज में ब्रह्मा जी के पास आए और वहां विष्णु भगवान को सारे मंत्र आदि दे दिए। और इस यज्ञ सहित कहते वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए, उनको बहुत हर्ष हुआ, आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया, और यज्ञ की समाप्ति होने पर कहते देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सभी ने कहते मिलकर कहते भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
और प्रणाम करने के बाद में भगवान को कहा कि इस स्थान को आप नाम दीजिए, नामकरण संस्कार कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप वेद मंत्र सब आप लोग लेकर आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो यमुना जी सूर्यपुत्री है, तो यहाँ पर कहते गंगा जी भी आए थे, और ये सरस्वती, गंगा जी और यमुना जी, तो ये त्रिवेणी संगम, तो ये आगे चल के ये स्थान तीर्थों का राजा होगा, तीर्थराज नाम रखा, तीर्थराज। जो कोई भी कहते यहाँ पर स्नान के पहले का भी दर्शन भी कर लेता है तो सात जन्मों के बड़े बड़े पातक निवृत्त हो जाएंगे दर्शन करने मात्र से, और स्नान करने के बाद तो कहते कितना फल मिल जाता है। वो स्थान देखो तीर्थों के राजा है। तीर्थराज प्रयागराज बोला सर, ठीक है। पहले क्या बोले, हाँ ये नहीं बोला, नाम नहीं है। ऋषि मुनियों ने बदलवा डाला उसको, वो पहले बदल दिया था प्रयागराज तीर्थ। भगवान देखो शास्त्र में तीर्थराज रखा है ना, लेकिन वो राज्य था उनका, ठीक है, अधिपति था, तो उन्होंने अपने अपने नाम अब नाम बदलने शुरू हो गए। हम भी नाम रख सकते अपने गली का वृंदावन गली है, वृंदावन मार्ग, ठीक है। अच्छे नाम बोलने से देखो, वृंदावन बोलने से, मथुरा बोलने से अपनी साधना हो जाती है, इसलिए हमने नाम कौन सा रखा है, वृंदावन भक्ति धाम। वो कभी कभी बाहर जाता हूँ ना प्रवचन के लिए, गुरु जा वृंदावन से आएगा, वृंदावन भक्ति धाम से आए, बोले कहाँ है, बोले हम सेंट्रल, नो सेंट्रल, बोले नेड़े है पंजाबी में। पच्चीस तारीख को